नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, आज टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलना है और आज टीम इंडिया के पास अपने कोच और पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को एक बेहतरीन तोहफा देने का मौका भी है, मौका जीत का, क्योंकि आज है टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ का बर्थडे। तो राहुल द्रविड़ के साथ साथ टीम इंडिया के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है और आज दोस्तों इस खास मौके पर हम आपको राहुल द्रविड़ के तीन खास पायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए, अब उम्मीद है कि आपने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ का आज 49वां जन्मदिन है। उनके बर्थडे के मौके पर ही टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच भी खेलने के लिए उतर चुकी है। टाउन के मैदान पर भारतीय टीम जीत के साथ राहुल द्रविड़ को जन्मदिन का तोहफा देना चाहेगी और इस सीरीज में दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर इस वक्त चल रही हैं। अब चूंकि तीसरा मैच जीतने वाली टीम ही सीरीज अपने नाम करेगी तो टीम इंडिया को ये मैच जीतना ही होगा और वैसे भी अभी तक साउथ अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया ने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। अब ऐसे में भारतीय खिलाड़ी अपने कोच का ये जन्मदिन बहुत ही ज्यादा खास बनाना चाहेंगे। बता दें दोस्तों कि राहुल द्रविड़ ने भी बल्लेबाज के रूप में कई बेहतरीन पारियां खेली हैं और कई लोगों का दिन खास बनाया है और उनकी पारियां तो एक दिन ज्यादा तक चलती थी लेकिन उनकी एक ही पारी कई लोगों का दिन बना देती थी। तो आज द्रविड़ के जन्मदिन के खास मौके पर हम उनके तीन सबसे बेहतरीन पारियों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर वन, दोस्तों साल 2000 में टीम इंडिया ने ईडन गार्डन्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस जीत को भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत भी माना जाता है और द्रविड़ ही इस जीत के नायक थे। इंडिया को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन द्रविड़ ने लक्ष्मण के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 386 रन जोड़े थे और मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। बता दें कि लक्ष्मण ने 280 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं द्रविड़ ने 100 रन की पारी खेली थी। इंडिया ने ये मैच 171 रन से जीत लिया था और सीरीज में एक एक की बराबरी की थी। इसके बाद चेन्नई में अगला टेस्ट जीत कर भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली थी। दोस्तों साल 2003 में भी राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 233 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 566 रनों का बड़ा स्कोर बनाया था जिसके जवाब में एक बार फिर द्रविड़ और लक्ष्मण की जोड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने 303 रन जोड़े थे। आखिर में भारत को ये मैच जीतने के लिए 233 रनों की जरूरत थी और द्रविड़ ने दूसरी पारी में नाबाद 72 रन बनाए थे जिसके बाद टीम इंडिया को 4 विकेट से वो जीत दिलाकर ही वापस लौटे थे। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ भी राहुल द्रविड़ एक शानदार पारी खेल चुके हैं, वो भी 270 रनों की और अपनी शानदार पारी से राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। इस मैच के पहले दोनों टीमें सीरीज में एक एक की बराबरी पर थी। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को 224 रन पर समेटा और इसके जवाब में 600 रन बनाए। इस मैच में राहुल द्रविड़ ने 270 रन की शानदार पारी खेली और इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 245 रन पर ही सिमट कर रह गई और मैच 131 रन के बड़े अंतर से हार गए। बता दें कि पाकिस्तान की धरती पर टीम इंडिया की ये पहली टेस्ट जीत थी। तो दोस्तों ये थी कोच राहुल द्रविड़ की तीन शानदार पारियां जो कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान खेली थी और अब उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर अपने कोच राहुल द्रविड़ को एक बेहतरीन तोहफा देने वाली है, साथ ही क्रिकेट फैंस को भी। और अगर दोस्तों टीम इंडिया ये तीसरा टेस्ट मैच जीत जाती है तो ये पहली बार होगा जब साउथ अफ्रीका की धरती पर टीम इंडिया की ये पहली टेस्ट जीत होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।